इधर भारत पहुंचे मोदी, उधर ब्रिटेन की संसद में महिला का खेल। ओवैसी और राहुल को नहीं होगा बर्दाश्त। वो पूजा पाठ करती है, सनातन परंपरा को सर आंखों पर रखती है। प्रधानमंत्री मोदी भी हिंदू धर्म और सनातनी संस्कारों की बखान करते दिखते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस महिला को देखकर दंग रह गए हैं। यही नहीं, संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी 29 वर्षीय इस युवती को देख चौंक जाएंगे। जय फिलिस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी हैरानी होगी। जी हाँ, ब्रिटेन की संसद में एक युवती ने जो किया उसे दुनिया देखती रह गई। आइए सिलसिलेवार तरीके से वो सारी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जिसने हंगामा मचा दिया है। बताएंगे कि आखिर वो युवती कौन है, और ये भी बताएंगे कि आखिर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रंजना उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से वापस वतन लौट गए हैं, लेकिन इस बीच ब्रिटेन की संसद से जो खबर सामने आई उसने बवाल मचा दिया। जी हाँ, एक तरफ जहां भारतीय संसद में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखते हैं। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर। कांग्रेस नेता जहां हिंदू पर ऐसा बोल जाते हैं कि विवाद ही छिड़ जाता है, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। उधर ब्रिटेन की संसद में एक महिला सांसद जिनकी उम्र महज 29 साल है, वो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेती है और सबको हैरानी में डाल देती है। बता दें कि वो भारत में गुजरात मूल की रहने वाली है। जी हाँ, ब्रिटेन में 4 जुलाई को हुए जनरल इलेक्शन में 14 साल से लगातार सत्ता में बनी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। इसमें लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली पार्टी की सांसद हैं शिवानी राजा। लिसेस्टर ईस्ट की सीट पर पार्टी ने 37 साल के बाद वापसी की है। यही से शिवानी राजा ने परचम लहराया है। ऐसे में संसद में अब श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में लेकर शपथ लेने वाली शिवानी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, आज लिसेस्टर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में शपथ लेना मेरे लिए सम्मान की बात थी। गीता पर महामहिम राजा चार्ल्स के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने पर मुझे वास्तव में गर्व महसूस हो रहा है। बता दें कि ब्रिटेन में पले बढ़े होने के बावजूद भी शिवानी ने अपनी संस्कृति और हिंदू परंपरा को कायम रखा है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन जाते जाते आपको हम ये भी बता दें कि शिवानी के अलावा ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भी हाउस ऑफ कॉमन्स में एक हाथ में बाइबल तो दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लेकर शपथ ली। बहरहाल ब्रिटेन के संसद में जो हुआ इस पर आपकी क्या राय है? वहीं भारतीय संसद में जो नजारा आपने देखा है उस पर भी आप क्या टिप्पणी करेंगे? जवाब कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।